साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के सभी मित्रों का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि बेगूसराय के पावर हाउस चौक स्थित स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह शर्मा महाविद्यालय के परिसर में पौधारोपण का। 10 अगस्त 2014 से ही साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र प्रत्येक रविवार को बेगूसराय के गांधी स्टेडियम से सुबह 7 बजे अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाते हैं, जिसका कार्यक्रम हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि इस आने वाले रविवार को हम लोग कहाँ जाएंगे। उसी कार्यक्रम के तहत आज जिसको आप लोग कोऑपरेटिव कॉलेज कहते हैं के परिसर में हम लोग आज पौधारोपण करेंगे। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र निस्वार्थ रूप से, हम लोग कोई एनजीओ नहीं है, किसी सरकार से कोई पैसा नहीं लेते हैं, किसी व्यक्ति से कोई चंदा नहीं लेते हैं। हम लोगों के मन में अपने जन्मभूमि से प्यार है और अपने जन्मभूमि से प्यार सबको करना चाहिए। पूर्व की भांति आज फिर आप लोगों के सामने एक नया तरीका, जो हम लोगों ने कई एक बार टेलीविज़न में भी देखा है, प्रधानमंत्री जी को भी देखा है, कि अगर आप सुदूर क्षेत्र में जहां सिंचाई की दिक्कत है, जहां जाने में आपको समय लगता है, वहां पौधारोपण एक चुनौती का काम होता है, कैसे वहां पौधा लगा के उसको जीवित रखा जा सकता है। तो आइए आपको एक नया तकनीक की जानकारी देते हैं। हमारे साथ हैं स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह शर्मा कॉलेज यानी कोऑपरेटिव कॉलेज बेगूसराय के प्रोफेसर, कार्यक्रम एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी, एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी श्रीमती दामिनी, श्रीमती दामिनी सिंह जी, इनके समक्ष और स्थानीय नौनिहालों, जो ये बच्चे आज सीखेंगे कल के डेट में यही लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आप युवाओं से भी निवेदन है कि कृपया आप लोग भी आए और हम लोगों का ये नया तकनीक की जानकारी लें और समाज में इसको फैलाएं। तो आइए बताते हैं, मिट्टी जब आप घर से दूर कहीं पे पौधारोपण करते हैं तो सूखी मिट्टी को पहले नमी लाने के लिए आप उसमें पानी डालिए, रवि जी मिलाइए मिट्टी को। ऐसा करने से क्या होता है ना कि मिट्टी के अंदर जो कीड़ा मकोड़ा है वो भी निकल जाता है और मिट्टी में समर के महीने में खास करके मिट्टी में नमी जरूर रहना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बाहर होता है। उसके बाद एक नया तकनीक और है, आप तो इसको वर्षों से जानते होंगे, ये मिट्टी का घड़ा है। घर में गांव में आप देखते होंगे कि इस पे जब मिट्टी की लिपाई की जाती है और इसमें आप पानी डाल के देखिए, पानी डाल के देखने से आपको समझ में आसानी से आ जाएगा और आप देखे भी होंगे। सिर्फ इसको हम लोग एक पेश कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये पानी से पूरा पसीज रहा है। जरा सा अजीत भाई नज़दीक आइए, ये पानी पसीज रहा है। तो इसका ये टेक्निक है कि जब हम लोग इसको इसके अंदर डालेंगे, एक घड़ा लाइए, एक घड़ा लाइए, ये तो मिट्टी का लेप आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग पहले से लगा के लाए हैं। जरा मित्र कोई हैं, आशीष जी, DCLR साहब, MP साहब कोई हैं, जरा सा लाइए घड़ा। अब जैसे ये घड़ा है, इसमें इसको इसमें हम लोग डाल दिए, अब डाल के इसका ढक्कन किधर है मित्रों, ढक्कन, अब इसके ऊपर ये ढक्कन डाल दिए, अब इस पे आप मिट्टी इसको डाल दीजिए। ऐसे आइए प्रभाकर भाई, रवि भाई, अजीत भैया आइए, मिट्टी इसमें डाल दिए। अब क्या है कि इसके ठीक बगल में हम लोग पौधा लगाएंगे, ये पौधा लगाएंगे तो एक तो पहले से ही हम लोगों ने इसमें नमी बना दिया है पानी डाल के। अब ये जो घड़ा है इसका जो पानी है ये करीब 15 दिनों तक, ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 15 दिनों तक इसका जो पानी है वो पौधों को क्या करके रखेगा, जिंदा करके रखेगा, नमी बना के रखेगा। तो आप लोग भी अपने अपने एरिया में ऐसा ही पौधारोपण करके पौधे को जीवित रख सकते हैं, खास करके बाग बगीचा जो आपके घर से दूर होता है, खेत में होता है, वहाँ इस तकनीक का प्रयोग कर आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को जीवित रख सकते हैं। 15 दिन के बाद अगर आप जैसे जा रहे हैं तो फिर जाइए और ऐसे आइए। जरा मित्र थोड़ा अब इस ढक्कन को ऐसे हटाइए, अगर पानी इसमें खाली है तो फिर पानी डालिए और फिर ऐसे ही ढक्कन डाल दीजिए। आइए तो पौधा लगाते हैं, अजीत भैया आइए, आइए मैडम लगाइए। ये हम लोग वज्रदंती का पौधा लगा रहे हैं जो दांत के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस कोऑपरेटिव कॉलेज के परिसर में आज हम लोग 5 पौधारोपण कर रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने जन्मभूमि की स्वच्छता, सुंदरता और हरियाली के लिए यथासंभव अपने पॉकेट मनी से, किसी से चंदा मत लीजिए, किसी सरकार से अपेक्षा मत रखिए, जैसे जापान के लोग, जर्मनी के लोग, चीन के लोग और इंडिया में भी गुजरात के लोग अपने राज्य, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने खर्च से अपने एरिया का विकास करते हैं, वैसे ही आप लोग भी करें। धन्यवाद।
जय हिंद।